चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पोर्ट्स क्रेजी को बेल आइकन की घंटी भी दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रेजी। आज हम बात करेंगे बीजिंग ओलंपिक्स 2022 की, जिसमें हाल ही में एक ऐसी दुर्घटना घटी है जो कि आपके दिल दहलाने पर आपको मजबूर कर देगी, क्योंकि अमेरिका की जो स्कीयर है नीना ओब्रायन नेशनल एल्पाइन स्की सेंटर में तेजी से स्कीइंग कर रही थी, तभी फिनिशिंग लाइन से कुछ सेकेंड्स पहले वो गंभीर रूप से घायल हो गई। जी हां, 24 साल की अमेरिकी स्कीयर नीना ओब्रायन महिलाओं की ज्वाइंट स्लैम प्रतियोगिता में भाग ले रही थी। इस अमेरिकी एथलीट का कम से कम 4 चिकित्सक द्वारा इलाज किया गया। नीना उठने की हालत में नहीं थी, ऐसे में उन्हें एक स्ट्रेचर पर लाद कर ले जाया गया। इस दर्दनाक घटना के चलते दौड़ को अस्थायी रूप से रोक भी दिया गया था। इसके अलावा आपको बताते हैं कि ओब्रायन अपने पहले दौर के बाद 6 स्थान पर थी, लेकिन वो दूसरे दौर में मेडल जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थी, लेकिन चोटिल होने के बाद उनका सपना जो है वो चकनाचूर हो गया। यूएस स्की एंड स्नोबोर्ड टीम ने जो ट्वीट किया है उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूं। उस ट्वीट को का हिंदी में जो ट्रांसलेशन है, अनुवाद, वो इस तरह से है कि नीना ओब्रायन फिनिश में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, लेकिन वो अलर्ट हैं और रिस्पॉन्स कर रही हैं। दर्शक इस दुर्घटना से भयभीत रह गए और उन्होंने ओब्रायन को अपनी शुभकामनाएं भेजी है। एक ने कहा कि एक क्रूर दुर्घटना थी, नीना ओब्रायन को ढेर सारा प्यार और प्रार्थना भेजना। एक अन्य ने कहा कि महिला स्लैम में हुई दुर्घटना बिल्कुल भयानक थी, उम्मीद करता हूं कि नीना ओब्रायन जो है वो ठीक होंगी। सो ये घटना घटी है बीजिंग ओलंपिक्स में, और स्पोर्ट्स में बीजिंग ओलंपिक्स जो है काफी अच्छा जा रहा है। भारत की जो आरिफ खान थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है, और वो इकलौते एथलीट हैं जो कि बीजिंग ओलंपिक्स में भारत का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। और अगर आपको पता नहीं, ज्यादा मालूम नहीं आरिफ खान के बारे में, तो मैं आपको बता देता हूं, जम्मू कश्मीर से इनका ताल्लुक है, और जम्मू कश्मीर से बिलोंग करने वाले आरिफ खान 13 फरवरी को, अगर आपको बताएं तो विशाल स्लैमम इवेंट और 16 फरवरी को स्लैम में इवेंट में जो है उसमें प्रतिस्पर्धा में पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि ये दो इवेंट जो है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आरिफ की अगर हम बात करें तो दुबई ओलंपिक क्वालिफायर में अल्पाइन स्कीइंग स्लैमम श्रेणी में कोटा हासिल करने के बाद दिसंबर में मॉन्टीग्रो में आयोजित प्रतियोगिता के जरिए ज्वाइंट स्लैम का कोटा उन्होंने पक्का किया था। और अगर आपको बता देते बीजिंग ओलंपिक्स में तो और पार्टिसिपेंट्स नहीं है, हो सकता है इन फ्यूचर इस पर भी काम किया जाए और करना भी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हमें चाहिए, बिकॉज और पार्टिसिपेंट्स होंगे तभी भारत का नाम जो है, चाहे हम समर ओलंपिक्स की बात करें चाहे हम विंटर ओलंपिक्स की बात करें, एक एक अलग आयाम पर पहुंचेगा, एक अलग लेवल पर पहुंचेगा। जितने ज्यादा पार्टिसिपेंट्स आपके होते हैं ओलंपिक्स में, आपके चांसेस जो होते हैं जीतने के वो उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो खबरों में जो है स्पोर्ट्स की, हम आपको टाइम टू टाइम पहुंचाते रहते हैं, और इसी के लिए आप हमारे चैनल बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि कोई भी नई जब अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। गुड बाय फॉर नाउ, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और स्पोर्ट्स पर डिस्कशन करते हुए।